It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. क्लबिंग मैं कुछ ज्यादा नहीं करूंगी, 2-3 मिनट करके बस पैक लगा के रिलैक्स हो जाऊंगी। Hi everyone, कैसी लग रही हूँ मैं? टडा। गुड मॉर्निंग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 o'clock एंड एज सच आज का कुछ प्रोग्राम है नहीं, और अभी तो मुझे ऐसा लगता है शायद मंदिर जाना भी सेफ है या नहीं, आई डोंट नो। एंड ये पीछे बैकग्राउंड में रियान गेम खेल रहा है इसलिए आवाज़ आ रही है। सो 9 o'clock हो चुके हैं, सो मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत घर का काम निपटा के एंड बाद में नहा धो के फिर नाना नानी के पास चलेंगे, उनसे आशीर्वाद ले लेंगे एंड उसके बाद अगेन घर पे ही आ जाने वाली हूँ। दिन में मैं घर पे ही हूँ, कुछ भी ऐसा हैपनिंग इस बार नहीं हो रहा है एंड कहीं जा नहीं सकते। रोल मुलाई के बाहर जाना इज़ नॉट सेफ, सो कुछ घर पे ही करेंगे। अभी तक तो यही हमारा प्लान है, आगे देखते हैं क्या प्रोग्राम होता है। सो जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा मैं आपको साथ में लेके चलूँगी। ऐसा दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं, बट फिर भी साथ में आपको लेके चलूँगी। हाई एवरी वन, तो इट्स ऑलमोस्ट 2 o'clock इन द आफ्टरनून एंड मैं यहाँ पे एक वीडियो जो है एडिट कर चुकी हूँ एंड अब मुझे बहुत बोर हो रहा है। सोचिएगा इस बर्थडे के दिन बोर लग रहा है मुझे, बिकॉज़ कहीं बाहर घूमने जा नहीं सकते हैं एंड तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी स्किन कैरी कर लेते हैं और स्किन केयर कर लेते हैं ना थोड़ा सा। तो ऑलरेडी मैंने कल जो है फेशियल हेयर्स रिमूव कर दिए थे, तो मुझे वो रिमूव नहीं करने पड़ेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो एक तो हम थोड़ी सी स्क्रबिंग एंड फेस पैक ऐसा कुछ लगा लेते हैं, थोड़ा सा यू नो ग्लो आ जाएगा फेस पे एंड उसके बाद नियर अबाउट 4 or 4:30 मुझे रेडी होना है, बिकॉज रोने का है कि हम कहीं जाएंगे लाइक 5:30 या 6 o'clock हम कहीं जाने वाले हैं। सो ये सब करने के बाद मुझे नेल्स भी चेंज करने हैं। सो यस, मैं कोई भी ऐसे नेल्स होते हैं उनको रीयूज़ करती हूँ, तो इनको मैं बहुत आराम से और प्यार से निकाल दूँगी एंड जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इनको फिर से लगा दूँगी। सो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं स्किन केयर। सो गाइज, आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड। तो पैक स्क्रब तो मैं ये बायोटिक का यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन मैं पैक के बीच में कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं ये पॉन्ड का मिनरल क्ले वाला पैक यूज़ करूँ या बायोटिक का वाइटनिंग पिगमेंटेशन टैन रिमूवल। सो मैं सोच रही हूँ अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे वो करेंगे। तो सबसे पहले तो हम फटाफट से थोड़ा सा स्क्रब कर लेते हैं, उसके बाद इसकी बारी आएगी। तो हम क्या है बालों को थोड़ा पैक कर लेते हैं ताकि हमारे बाल खराब ना हो। डन, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्क्रबिंग। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे लास्ट बर्थडे पे मैं अपने घर गई थी अपने पापा से मिलने के लिए एंड लाइक ऑब्वियसली मैं उनको बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रही हूँ अभी भी, लेकिन बिल्कुल मुझे रोना नहीं है क्योंकि वो हमेशा हमें खुश देखना चाहते थे, हमें इन सेंस उनके जो हम बच्चे थे उनको वो हमेशा खुश देखना चाहते थे। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि अब हम रोएंगे नहीं एंड हम उनको जब भी याद करेंगे खुशी से याद करेंगे। सो लास्ट बर्थडे पर मैं उनको मिलने गई थी एंड लिटरली गाइस 15-20 मिनट्स बैठने के बाद भी उन्होंने मुझे विश नहीं किया था एंड फाइनली फिर मुझे उनको बोलना पड़ा कि डैड आज मेरा बर्थडे है विश कर दो। सो 15-20 मिनट्स बाद उन्होंने मुझे विश किया, तो हाँ मैं वो ज़रूर से मिस कर रही हूँ बिकॉज वो हमेशा मिस करते थे हमारा बर्थडे या ऐसा कुछ होता था तो को इतना याद नहीं रहता था, हमें हमेशा उन्हें याद दिलाना पड़ता था। सो मैं उन बातों को याद करके आज खुश भी हो रही हूँ और थोड़ी सी सैड भी हूँ बिकॉज आई रियली रियली मिस हिम, आई मिस यू डैड, जहाँ कहीं भी हो वहाँ से मुझे बर्थडे विश कर दो, नो प्रॉब्लम, आई लव यू। सो अब हम स्क्रब स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एंड ये स्क्रब मुझे बहुत अच्छा लगता है,
बिकॉज यू नो डेड स्किन एंड ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। आप सोचेंगे मैं इतने अजीब से एंगल में क्यों बैठी हूँ, बिकॉज यू नो पता नहीं मुझे ट्राईपॉड लगाने में भी इतना आलस आ रहा है आज। मतलब मैंने कैमरा जो है सीधा सा बेड पे रख दिया है और मुझे ट्राईपॉड लगाने में भी आलस आ रहा है, तो मैं बस ऐसे ही बैठ जाती हूँ आपसे और ऐसे ही बातें कर लेते हैं हम, क्योंकि एज सच तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट हो नहीं रहा है, हम टाइम पास ही कर रहे हैं, वेले ही बैठे हैं, तो ऐसे करते करते मैं आपसे बातें भी कर लूँगी थोड़ी सी। बंद कर देते हैं तो क्या है ना थोड़ा सा बैकग्राउंड मेरा अच्छा हो जाएगा। स्क्रबिंग मैं कुछ ज़्यादा नहीं करूँगी, 2-3 मिनट करके बस पैक लगा के रिलैक्स हो जाऊँगी, बिकॉज रिलैक्स होने के बाद मुझे इन्हें निकालना है, नए नेल्स लगाने हैं, बिकॉज मैंने सोचा है कि आज बर्थडे है तो कुछ नया तो होना चाहिए, नेल्स तो नए लगा ही सकते हैं, कुछ और करें ना करें क्या बोलना है आपका, है ना, नेल्स नए लगा देते हैं। दिस स्मेल सो गुड, लाइक मैं इसमें बायोटिक के प्रमोशन नहीं कर रही हूँ लेकिन आपको पता ही होगा मैं थोड़ा लिप्स पे भी स्क्रबिंग कर रही हूँ। आलसी नंबर 1 लिप स्क्रब पड़ा है लेकिन उठ के कौन लेगा, यही कर लेते हैं, बहुत हो गया यार मुझे बहुत बोर लग रहा है स्क्रब करना अभी, तो चलो अभी ये बहुत स्क्रबिंग हो गई, मैं इसको फटाफट से वॉश करके आती हूँ। एंड स्क्रब के बाद का आपको आई थिंक दिख ही रहा होगा कितना अच्छा ग्लो आता है इसको अच्छे से करने के बाद, सारी डेड स्किन वाइट हेड ब्लैक हेड्स अच्छे से निकल जाते हैं एंड स्किन जो है एकदम ग्लोइंग ग्लोइंग लगने लगती है। अभी मैं डिसाइड नहीं कर पाई हूँ कि मुझे इन दो में से कौन सा पैक लगाना है, मैं पॉन्स का लगाऊँ या ये लगाऊँ या कौन सा लगाऊँ कौन सा लगाऊँ कौन सा लगाऊँ कौन सा लगाऊँ। येस आई एम गोना ट्राई दिस वन टुडे बिकॉज ये डिटॉक्स करेगा और डीप क्लीन करेगा, लाइक वो भी डीप क्लीन करता है बट यही लगा लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए फटाफट से लगा लेते हैं। अब डब्बा रख के मुझे आप लोगों को थोड़ी सी हाइट देनी पड़ेगी, ट्राईपॉड दूसरे रूम में पड़ा है एंड मैं नहीं जाके लेने ट्राईपॉड अभी बिल्कुल भी मूड नहीं है मेरा। सो यस ब्रश है मेरे पास, फटाफट से ब्रश में लेके पैक लगा लेते हैं। गाइस अब जब तक मेरा ये फेस पैक सूख रहा है तब तक मैं फटाफट से जाके थोड़े से कमेंट्स हैं उनके रिप्लाई कर देती हूँ एंड देख लेती हूँ अगर आज का या कल का कोई मैंने शेड्यूल किया होगा, अगर कोई वीडियो पोस्ट करना है कुछ तो फटाफट से वो काम कंप्लीट करते हैं, तब तक ये अपना काम करता रहेगा। सो चलिए एवरीवन कैसी लग रही हूँ मैं, टडा। सो मेरा फेस पैक जो है वो ड्राई हो चुका है, चलिए फटाफट से इसको वॉश कर लेती हूँ बिकॉज इसके बाद मुझे रेडी भी होना है एंड ट्रस्ट मी गाइज क्या हो गया, लाइक बर्थडे के दिन भी बाहर जाने में मुझे कंटाला आ रहा है, लाइक आई एम फीलिंग कि क्यों जाना है, मुझे रेडी होने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्या करूँ यार, बट रोहन ने कहा है तो फिर रेडी तो होना पड़ेगा। सो चलिए फटाफट से इसको वॉश कर लेती हूँ, आउटफिट निकाल लेती हूँ एंड हम रेडी होना स्टार्ट होते हैं बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 3:30। मैं बीच में थोड़ा वेलापंती भी कर रही थी, थोड़ा टाइम पास भी कर रही थी, तो इस पैक को आई थिंक मुझे रखना था सिर्फ 10 मिनट्स के लिए, 10-15 मिनट्स, लेकिन इसको शायद आधा पौना घंटा या उससे ज़्यादा भी हो गया होगा, मुझे याद नहीं है। चलिए इसको वॉश कर लेते हैं। हाय गाइस एंड मेरा फेस जो देखो आप बिल्कुल चमक चुका है, ये ऐसा कुछ नहीं है हाँ, बट आप देख सकते हो बिल्कुल पैक लगाने से कितना ज़्यादा अच्छा ग्लो आया है एंड मस्त हो गया मेरा फेस एकदम, नहीं तो मुझे लग रहा है अच्छा है पैक। सो अभी पैक को तो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है एंड सो चलिए पहले फटाफट से कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स ले आती हूँ बिकॉज मेरा बिल्कुल मूड नहीं, तो बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं थोपेंगे, कुछ कुछ थोड़ा बहुत करेंगे और फिर रेडी हो जाएंगे। फिर आज मेरा थोड़ा सा मूड है यार हेयर्स को थोड़ा सा कर्ल करूँ, ऐसा मेरा मन हो रहा है कि कुछ अलग ट्राई करके देखूँ आज अपने बालों से। वैसे तो मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं आज, बट पता नहीं यार क्या करूँ, अभी समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मैं कर्ल्स करूँ नहीं करूँ, स्ट्रेट रखूँ क्या करूँ, जो भी करूँगी आपके सामने करूँगी। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi.
पर देखना मेरा रास्ता रोजाना माय दिल रोजू बस घूम रहे हैं बाहर और मास्क नहीं पहना है तो फटाफट से गाड़ी में बैठ जाती बिकॉज मैं मास्क भूल गई हूँ. सो मिलती हूँ आपको. बाय गाइस. इट्स योर बर्थडे. हैप्पी बर्थडे. It's your birthday. Happy birthday. It's a great day. That's what we say. Happy birthday to you. तो मैं अभी अपने सिस्टर के घर पे हूँ एंड मेरी सिस्टर ने मेरे ब्रदर ने और मेरे फ्रेंड ने और मेरे हस्बैंड ने और मेरी मम्मी ने और डैश 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 सबने मिल के लिए मेरे लिए बहुत प्यारा सरप्राइज प्लान किया एंड मुझे बहुत अच्छा लगा. आई एम सो हैप्पी. एंड चलो फटाफट से पार्टी इंजॉय करते हैं.